रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। प्रारंभिक चरण के सर्वाइकल कैंसर में आमतौर पर कोई संकेत या लक्षण नहीं होते। डॉक्टर कल्पना ने सर्वाइकल कैंसर के प्रति सैकड़ों छात्राओं को किया जागरूक। माननीय U0+0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में व अब्दुल शाहिद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के मार्गदर्शन में राजकीय बालिका इंटर रायबरेली में आज दिनांक को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिनव जैन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई। जागरूकता शिविर में सचिव अभिनव जैन ने सर्वाइकल कैंसर के संबंध में बताया कि यह एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि की वजह से होता है। यह HPV वायरस यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। मुख्य वक्ता दाशून्य कल्पना द्वारा बताया गया कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो सर्विक्स की कोशिकाओं में होता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित होता है जो योनि से जुड़ता है। प्रारंभिक चरण के सर्वाइकल कैंसर में आमतौर पर कोई संकेत या लक्षण नहीं होते हैं। संकेत और लक्षण तब विकसित होने लगते हैं जब कोशिकाएं गर्भाशय ग्रीवा के आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के संकेतों और लक्षणों में असामान्य दर्द, भारी असा। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए और इसमें हमारी बच्चियों को जो जागरूक करने के लिए तमाम सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए जो कि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। कार्यक्रम यहीं पर आज इस ये वाली जो गोष्ठी है ये समाप्त। सामान्य निर्वहन, पेशाब के दौरान दर्द आदि शामिल है। अधिक उन्नत गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लक्षणों में संभोग के बाद, मासिक धर्म के बीच या रजोनिवृत्ति के बाद योनि से खून बहना, पानीदार खूनी योनि स्राव जो भारी हो सकता है और एक दुर्गंध और गंभीर श्रोणि दर्द या संभोग के दौरान दर्द हो सकता है। इस बीमारी सर क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आज एक शिविर का आयोजन हुआ है जिसमें इन बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए कैंप लगाया गया है। हम लोग ये नहीं जानते पर एक फैक्ट है कि पूरे भारत में ये महिलाओं की मृत्यु सबसे सेकेंड हाइएस्ट मृत्यु जो होती है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है और भारत में करीब 50,000 से अधिक मृत्यु हर वर्ष इसके सर्वाइकल कैंसर वजह से होती है। तो इसी कारण से हम ये चाहते हैं कि इसकी जो वैक्सीन है, जो इसकी स्क्रीनिंग है, उसके प्रति बच्चे को जागरूक कर दें जिससे उनमें से कोई भी एक ऐसा भी न रहे जिसको ये बीमारी भविष्य कभी। धन्यवाद। कार्यक्रम में कौन कौन आए हैं आपके साथ जजेस? यहाँ पे हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सब समस्त PA भी हैं जो यहाँ पे लोगों को जागरूक करते हैं। उसके साथ ही हमारी डॉक्टर कल्पना है जो जिला अस्पताल से हैं और यहाँ पे इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम। परिचय अपने दीजिए, आज क्या कार्यक्रम हुआ है, क्या बच्चों को जानकारी दी गई है? आज सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान चलाया गया है क्योंकि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली महिलाओं की संख्या आंकड़ा बहुत बड़ा है जबकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी भविष्य में होने की संभावना को डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं जिसका पूरा ट्रीटमेंट भी है। हमारे पास रेगुलर स्क्रीनिंग के इफेक्टिव मेथड्स हैं, वैक्सीनेशन है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, उन्हें नहीं पता क्या इसके लक्षण होंगे और कब हमें दिखाना है। इसी से जागरूक करने के लिए अभियान चलाया।